आज की कहानी है एक दुष्ट लोमड़ी की। बहुत पुरानी बात है, एक घने जंगल पे एक तोता और एक खरगोश रहते थे। दोनों में अच्छी खासी दोस्ती थी। हमेशा दोनों साथ रहते और मुसीबत के समय एक दूसरे की सहायता करते। खरगोश शरीर से मानसर था। जंगल के कई जानवर के सिर मानसर शरीर से नजर थी। वो उसका मांस चखना चाहते थे, लेकिन जब भी खरगोश के पास आने का प्रयास करते तोता आपके मित्र को सावधान कर देता। खरगोश वहाँ से भाग जाता। कुछ दिन बाद उस जंगल में एक लोमड़ी आई। उसका नजर मनसाल खरगोश पर पड़ी। उसकी मुंह में पानी आ गया। उसे भी खरगोश के मांस का स्वाद लेना था, लेकिन तोते के रहते यह संभव ना था। लोमड़ी ने सोचा क्यों ना खरगोश से दोस्ती करके उसका भरोसा जीत ले, फिर किसी दिन मौका पाके दूर कहीं ले जाऊंगी, फिर उसे मार डालूंगी, फिर आसानी से उसका मांस खा सकूंगी। एक दिन वो मौका पाते ही खरगोश के पास चली गई। लोमड़ी को देखकर खरगोश डर गया, पर लोमड़ी ने बड़ी मीठी आवाज से कहा, दोस्त मुझसे घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मैं तो दूसरे जंगल से आई हूँ, यहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है और न ही कोई मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मैं तुम्हें जंगल के उस पर में हरे भरे खेत में ले चलूंगी। तुम पेट भर के ताजे ताजे गाजर खाना। खरगोश लोमड़ी की मीठी बातों में आ गया और उसकी दोस्ती स्वीकार कर ली। कुछ दिन के बाद से रोज लोमड़ी खरगोश के पास आती और उससे ढेर सारी बातें करती। एक दिन तोते ने खरगोश को लोमड़ी के साथ बातें करते हुए देख लिया। उसे लोमड़ी की चाल समझ आ गई। लोमड़ी के जाते ही वो खरगोश के पास गया और बोला, दोस्त लोमड़ी बहुत दुष्ट है, उसके इरादे नेक नहीं है, वो तुम्हें मार कर खा जाना चाहती है। मेरी सलाह है कि तुम उससे दूर ही रहो। खरगोश बोला, तोते भाई, हर किसी को संदेह की नजर से देखना नहीं चाहिए। लोमड़ी अब मेरी अच्छी दोस्त बन गई है, मेरा भरोसा करो, वो सच नहीं मित्र है, तुम चिंता मत करो। खरगोश की बात सुनकर तोता वहाँ से चला गया, लेकिन उसे लोमड़ी पर विश्वास नहीं था। वो दूर से ही खरगोश के ऊपर नजर रखने लगा। एक दिन लोमड़ी खरगोश के पास गई और बोली, खरगोश भाई, आज तुम्हें मैं गाजर के खेत में ले चलती हूँ। वहाँ खेत में बहुत सारे गाजर उगी है, चलो ना पार्टी करते हैं, लेकिन तुम अकेली ही आना, किसी को कुछ मत कहना। खरगोश गाजर के नाम सुनते ही राजी हो गया और दोनों जंगल के पास गाजर के खेत में पहुंचे। खरगोश ने एक दो गाजर जमीन से निकाल के खाने लगा। उधर मालिक को पता चली और वो दौड़कर जाल लेके आया। लोमड़ी ने मालिक को देखा और पास के पेड़ के पीछे छिप गई। बेचारा खरगोश गाजर खाने में व्यस्त होने के कारण किसान के जाल में फंस गया। उसने निकलने का बहुत प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हो सका। उसने लोमड़ी से मदद की गुहार लगाई, लेकिन लोमड़ी तो किसान के तलाश में थी कि कब खेत का मालिक खरगोश को मारे और उसका मांस चख सके। लोमड़ी ने बोली, ये जाल बहुत ही मजबूत है, एक अतना मेरे बस की बात नहीं, तुम यही ठहरो, में कुछ न कुछ बंदोबस्त करती हूँ। ऐ कहकर लोमड़ी ने पास वाली पेड़ के पीछे छुपकर किसान की प्रतीक्षा करने लगी। वहाँ जंगल में अपने दोस्त को न पाकर तोता उड़ते उड़ते गाजर के खेत में आ पहुँचा। वो खरगोश को जाल में फंसा देख कर वो उसके पास गया और बोला, दोस्त चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ, मैं तुम्हें इस जाल से छुड़ाऊंगा, थोड़ा धीरज रखो। फिर तोता अपने चोंच से जाल को कटने लगा। खेत के मालिक को जब इस बात की पता चली, तब उसने उसका कुल्हाड़ी तोते के ऊपर फेंकी, लेकिन तब तक तोते ने खरगोश को जाल से आजाद कर चुका था। खरगोश और तोता कुल्हाड़ी आते आते वहां से भाग गए, पर वो कुल्हाड़ी पेड़ के पीछे छुपी हुई लोमड़ी के ऊपर लग गई और वो वहीं मर गई। लोमड़ी को अपने कुकर्म की सजा मिल चुकी थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा अच्छे और भरोसे के साथ ही दोस्ती करो, जो तुम्हारे संकट के समय में काम आए।